नमस्कार, मैं हूँ योगी नित्य और आज हम गैस के लिए आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है इसके बारे में जानेंगे। और गैस में मैंने पिछली दो वीडियो में बताया कि गैस के लिए आपको क्या क्या चीज़ें, गैस को समझने कैसे हैं, क्या उसके साइन हैं, क्या उसके सिम्टम हैं, ये मैं पिछली दो वीडियो में बता चुका हूँ गैस होती क्या है। ऐसे ही बिना बात के हम गैस के चूर्ण ना लेते रहें, इस चीज़ को समझें, अगर ज़रूरत हो तो दवाई लें। हालांकि अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि गैस के लिए इलाज कैसे करना, गैस में कैसे उपचार करना, घरेलू उपचार कैसे करना और अगर आयुर्वेदिक उपचार करना पड़ जाए तो कैसे करना। लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे फ़िलहाल गैस में क्या क्या अवॉइड किया जाता है। अवॉइड करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक, जो गलत चीज़ है जो गैस पैदा करती है, वो है चाय। चाय से लोग परहेज नहीं करते, दिन में तीन तीन बार, चार चार बार चाय पीते हैं और इतना ही नहीं, चाय को इतना उबालते हैं कि उसमें इतनी कड़क चाय हो जाती है। चाय एक खुश्क चीज़ है, खुश्क चीज़। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जितनी आंतें खुश्क होंगी उतनी ज़्यादा गैस बनेगी। और फिर आप चूर्ण खाएंगे, चूर्ण खा के और ज़्यादा आंतें खुश्क हो जाएंगी, गैस और बढ़ेगी। हालांकि टेम्पररी गैस तो निकल जाएगी लेकिन गैस अगली बार और बनेगी। आप किसी जगह पे परमानेंट समाधान पे पहुँचेंगे ही नहीं, पहुँच सकते ही नहीं। क्यों? क्योंकि चाय पी है इतनी ज़्यादा, चाय बंद करिए। हालांकि अगर एक आध बार कभी चाय लेने का मन हो भी तो आप खाना खा के तुरंत चाय ना लें, आधा घंटा रुक के चाय लें। और दिन में एक बार चाय लें, दो बार चाय ना लें, दो बार भी गलत है। मैं तो एक बार भी पसंद नहीं करता चाय, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा आदत जिनको पड़ गई है चाय की, अब छूटती नहीं, क्या करें। हालांकि मैंने लेमन टी के बारे में आपको बताया था, आप हमारे चैनल में जाकर के लेमन टी, इस वीडियो के नीचे भी उसका मैंने लिंक दे रखा है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप लेमन टी कैसे बनाना, उसको कैसे पीना, उसके बारे में अगर समझ लें तो गैस में बड़ा अच्छा आराम आ जाता है। लेकिन पर इसके जो कारण हैं, जो इसकी आपकी गलत आदतें, इसको भी तो सुधारिए, इसके बिना गैस कैसे ठीक होगी। तो आपको चने की दाल नहीं खानी है, चाय नहीं लेनी है। चने की दाल से गैस भड़कती है, हालांकि चने की दाल खाना मना नहीं है, लेकिन गैस हो रखी हो तो चने की दाल मत बनाइएगा घर में, तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मसूर की दाल भी मत बनाइएगा घर में यदि गैस हो रखी है तो, और अगर गैस रहती है अक्सर तो ये दोनों दालें, चना और मसूर, मत लें, ये अवॉइड करें। चाय के साथ साथ कॉफ़ी बहुत नुकसान करती है, कॉफ़ी तो चाय की भी माँ है, इसलिए कॉफ़ी और चाय दोनों। आप कहेंगी मैं ये चीज़ें नहीं छोड़ सकती, मैं ये चीज़ें नहीं छोड़ सकता, तो फिर मैं क्षमा चाहूँगा, गैस का भी समाधान नहीं हो सकता। आयुर्वेद है हमारा, ये जो आयुष विज्ञान है, इसको आप जब तक प्रॉपर नहीं समझेंगे, कारण का निवारण नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। मैं आपको सही समझ दे रहा हूँ, मैं चाहे आपको कुछ बातें कड़वी लग सकती हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ें नुकसान करती हैं। चाय, कॉफ़ी, चने की दाल, मसूर की दाल और गोभी, गोभी बहुत नुकसान करती है। गोभी जो है, ये फुल गोभी, ये गैस वालों को नहीं लेनी, गैस वाले इसको हमेशा अवॉइड करें। हालांकि आप कभी कभार ले सकते हैं साल में एक दो बार, उसमें हींग आदि का छौंक लगा के, लेकिन रोज़ाना नहीं। आपको शायद नहीं पता होगा, अगर एक व्यक्ति एक चुटकी से ज़्यादा हींग का प्रयोग करे खाने में तो आपको गैस और ज़्यादा बनने लग जाएगी उसी हींग से। हालांकि हींग गैस दूर करती है, लेकिन एक चुटकी से ज़्यादा ली तो वही गैस बनाएगी, ये चीज़ें समझने वाली हैं। इसके अलावा आपको आलू, कड़ी, माँ, ऐसी चीज़ें, फ्रिज का खाना बार बार गर्म करके खाना, ठंडी आइसक्रीम लेना और हर वक्त मुंह में कुछ ना कुछ चरते रहना, कभी भुजिया का चम्मच, कभी कुछ, ऐसी चीज़ें अगर आप करेंगे, खाना खा के पानी पीते रहेंगे, ये चीज़ें करते रहेंगे तो गैस बनती ही रहेगी। तो आप इन चीज़ों को समझिए और अपने गैस का उपचार करिए। आधा इलाज तो तभी हो जाता है जब आप अपने आहार को सही कर लेते हैं। गैस की गोलियां खाने का कोई परमानेंट कोई ये सलूशन नहीं है, उल्टा आंतें ख़राब हो जाती हैं। और क्या क्या खाना है इसमें, हर चीज़ खाइए, लौकी खाइए, टिंडा खाइए, परवल खाइए, सब्जियाँ, इलायची, फल, सब कुछ लीजिए, कुछ चीज़ मना ही नहीं है। लेकिन छोटा सा एक टिप मेरा ध्यान रखना कि नए अनाज मत खाना, जैसे नया गेहूँ होता है, नया चावल होता है, इसको आप अवॉइड करें। पुराना चावल, एक साल पुराना एज किया हुआ, उसको कहते हैं, वो आप बाज़ार में पूछेंगे किसी समझदार किराने वाले से तो वो बता देगा। पुराना गेहूं यूज़ करिए तो आपको गैस कम बना करेगी। आटा ताज़ा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, कल का नहीं होना चाहिए, ठंडा पानी नहीं लेना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी है गैस के लिए।
और फिर अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गैस के लिए क्या है घरेलू उपचार और क्या है आयुर्वेदिक उपचार। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।